आत्मनिर्भर बनना या फिर कहें अपने पैरों पर खड़ा होना हर एक व्यक्ति से लेकर हर एक देश का सपना होता है, जिसके चलते जो कदम आज़ादी के 70 साल बाद भी नहीं उठाया गया था उसे मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही मेक इन इंडिया के रूप में सबसे पहले उठा दिया। मेक इन इंडिया के अच्छे परिणाम न केवल हमें वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं बल्कि भविष्य में भी इनके और अच्छे होने की उम्मीद है, जिसका अंदाज़ा आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस ऐलान से लग जाएगा। दरअसल रक्षा मंत्री ने रविवार को बड़ी घोषणा करते हुए ऐलान किया है कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत की राह अपनाएगा। रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उत्पादों के आयात यानी इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इन्हें स्वदेशी स्तर पर ही बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, साथ ही इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है। रक्षा मंत्री ने दावा किया कि ये न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है बल्कि ये निर्णय भारतीय रक्षा उद्योग को अपने स्वयं के डिजाइन और विकास क्षमताओं का उपयोग करके या सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए DRDO द्वारा डिजाइन की गई तकनीकों को अपनाकर वस्तुओं के निर्माण का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा। तो वहीं राजनाथ सिंह ने 101 उत्पादों की सूची को तैयार करने के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सभी हितधारकों से जिनमें सशस्त्र बल, सार्वजनिक व निजी इंडस्ट्रीज हैं, कई स्तर की वार्ता और विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। ऐसा भविष्य में गोला बारूद और रक्षा उत्पादों के निर्माण की भारतीय इंडस्ट्री की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने बताया कि अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर ऐसी सेवाओं की लगभग 260 योजनाओं को तीनों सेनाओं द्वारा कॉन्ट्रैक्टेड किया गया था, लेकिन अब ऐसा अनुमान है कि अगले 6 से 7 साल में घरेलू उद्योगों को 4 लाख करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। रक्षा मंत्री के अनुसार अगले 6 से 7 साल में इनमें से लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए के उत्पाद सेना और वायु सेना के लिए अनुमानित हैं, जबकि नौसेना की ओर से लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए के उत्पादों का अनुमान जताया गया है। तो वहीं रक्षा मंत्री ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 101 रक्षा उत्पादों की सूची में न केवल बख्तरबंद लड़ाकू वाहन शामिल हैं बल्कि हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार जैसे असॉल्ट राइफलें, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH, रडार और कई अन्य चीज़ें शामिल हैं जिनके आयात पर बैन लगाया जाएगा और देश में ही बनाया जाएगा।